सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा सिंदरी के बैनर तले सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा सिंदरी के अध्यक्ष भक्ति पदपाल के नेतृत्व में सिंदरी बस्ती सिंदरी उत्क्रमित विद्यालय से पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा के सचिव संतोष सिंह, कोषाध्यक्ष पारो सोरेन, नीमटाण के समाजसेवी युधिष्ठिर टुड्डू, सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा सिंदरी के दर्जनों लोग शामिल थे। सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर लिखा हुआ था, जिस जमीन पर हम बसे हुए हैं उस जमीन का मालिकाना हक चाहिए। मातृभूमि का यह सौगंध न्याय नहीं मिला तो होगी जंग। विस्थापित वंशजों की है पुकार, लेकर रहेंगे हक अधिकार। कारखाना लगाने के लिए अपना जमीन दिया है, उत्पादन में अपना श्रम दूंगा। यह पैदल मार्च सिंदरी बस्ती सिंदरी उत्क्रमित विद्यालय से निकाला गया, जो सिंदरी मलिका टोला होते हुए पुनः सिंदरी बस्ती सिंदरी उत्क्रमित विद्यालय में समाप्त किया गया। वहीं सिंदरी फर्टिलाइजर विस्थापित मोर्चा सिंदरी के अध्यक्ष भक्ति पदपाल ने कहा कि हम लोग सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन खाद कारखाना हर्ल में रोजगार नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर यह पैदल रैली निकाली है। सिंदरी बस्ती है, यहाँ आज हम लोग सिंदरी बस्ती एवं मलिक टोला में हल प्रबंधन में हल कारखाना में रोजगार पाने हेतु एवं अपना न्याय और हक के लिए विस्थापित जागरूकता अभियान के तहत टोला टोला भ्रमण किए। क्या कुछ लोगों से कहेंगे जो लोग अभी तक इस जुड़े नहीं है विस्थापित को लेकर, जो पहले से काफ़ी विस्थापित है, आप लोग काफ़ी आंदोलन किए इस लेके, बहुत सारे लोग को जगाने के लिए निकाल रहे क्या इसको? ये जागरूकता रैली ही निकाला गया, जो लोग सोए हुए हैं अभी तक इस पर संवेदनशील नहीं है उसको जगाने के लिए ही हम लोग ये टोला टोला ये अभियान चला रहे हैं। कौन कौन सा टोला में भ्रमण किया आप? आज हम लोग मार्केट, मल्लिक टोला, सिंदरी बस्ती, ये तीन जगह भ्रमण किए। आगे और आप लोग क्या रणनीति रहे? आगे हम लोग अभी विस्थापित एक बहुत बड़ा जागरूकता रैली एवं एक आम सभा करने के लिए हम लोग जितने भी चार मौजा के टोला कस्बा है सब में ये जागरूकता अभियान चलाएंगे, उसके बाद एक बड़ा जागरूकता रैली हम लोग प्रबंधन को देंगे।